अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मेरा आज का एक सवाल था कुर्बानी के मुतालिक है। जी, के हमारे यहाँ एक बात मशहूर है, जब बकरे को जबा करते रहते हैं जी, तो जितने लोग उसके पैर पकड़े रहते हैं, जितने भी लोग साथ में रहते हैं, सबको बिस्मिल्लाह अल्लाह उबर कहना पड़ेगा, नहीं तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो इस तरह यहाँ पर बताते हैं, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, बिस्मिल्लाह का वो आदमी करेगा जो ज़बा कर रहा है, बस। जी, अगर लोग ये समझ रहे हैं कि सारे लोगों का बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, वो नहीं पढ़ेंगे तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, तो ये बिदात है, ये दीन के अंदर अपनी तरफ से इजाफा है। ये अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं कहा है, आप अपनी तरफ से इजाफा कर रहे हैं, लिहाजा ये बिदात है। तो बिस्मिल्लाह वो आदमी करेगा जो जानवर को ज़बा कर रहा है, ज़बा करने वाला, छुरी चलाने वाला, वो बिस्मिल्लाह करेगा। दूसरी बात, आपने एक और जिक्र किया कि लोग उसका पांव पकड़े रहते हैं। ये मसला भी मैंने भी देखा है कि बेचारा बकरा जो है, अगर कमजोर सा भी बकरा है तो 4, 5, 6, 7 लोग मिलकर के उसको यूं जकड़ते हैं कि वो हिल भी नहीं पाएगा। अगर थोड़ी देर तक उसको उसी तरह जकड़े रहे तो छुरी नहीं भी फेरेंगे तो मर जाएगा, है ना। तो जानवर के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान और भलाई का मामला करने का हुक्म दिया है, और जो तजर्बाकार हैं इस मामले में वो जानते हैं कि अगर जानवर का जिस्म थोड़ा सा ढीला रहेगा, अपने हाथ पांव वो चलाएगा तो उसके जिस्म से खून जल्दी निकलेगा, तो एक तो उसकी जान जल्दी निकलेगी, दूसरा ये कि उसके जिस्म के अंदर जो खून है, फासिद खून, वो सब निकल जाएगा। और जब आप जकड़े हुए हैं, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो खून कैसे निकलेगा उसका। तो आप सिर्फ इतना पकड़े उसको कि वो भागने ना पाए, इतना पकड़े कि वो काबू में रहे, कंट्रोल में रहे, उसको ऐसे नहीं जकड़े कि वो हिल भी ना सके। जी जी जावेद भाई, हाँ ठीक है। नहीं, पूछने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ जुमा में बयान हुआ इसके मुतालिक, जो कसाई रहता है उसको भी वो दुआ पढ़ना पड़ेगा, बिस्मिल्लाह अल्लाह उबर कहना पड़ेगा, और वो जबा करने वाले को करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा उसकी कुर्बानी नहीं होगी, ऐसा आलिम साहब बताए। इसलिए अब वो जिस आलिम ने बयान किया है, मैं क्या बताऊं, चलिए आगे चलिए।